स्टूडेंट चाहिए, मेरा हैंड पकड़ के घूमे स्टूडेंट चाहिए, मेरा पेंट पकड़ के घूमे। याद रहे भगवान राम भगवान कन्हैया जैसा पति नहीं चाहिए मेरे को, अब कैसे चाहिए? अंता बंजा धर्मेंद्र राजेश खन्ना हेमा मालिनी सनी कपूर हमारे गांव में शादी हुई बिल्डर तो मैंने शादी में ना वो बरात से एक दिन पहले वो कहा होगा तो है तेरा टाइम दी जा चले चले पूरे भैया प्यार का बामे ढोलक सोलक बजी तो बहने आई हाँ दिल्ली वाली थी सब हाँ तो पड़ी तो की है सब तो गीत गारी ढोलक बजाई नहीं कि जय सिया राम बोलो जय सिया राम ऐसे पति मिले भगवान। हम गली में से निकल पड़े अचानक हमने की बाप भाई बा मैंने की तो बहुत अच्छो गाय ऐसे पति मिले भगवान हमके राम को बताई या फिर कन्हैया को बताई तो हम खड़े हुई हम की चलो बोले सुन लो तो लेकिन खोलने तो लोग सिस्टम ही बदल दो और कलाइन कट में साइड कट कर दो बोली कैसे चाहिए सुबह को उठ कर चाय बनाए चाय बना कर हमें जगाए और कहे लो पीलो मेरी जान ऐसे पति मिले भगवान। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ भगवान कन्हैया भगवान राम आए के जो कलियुगों में करेगा चाय तक में उठ जाना इन्हें 9 बजे खटिया पैसे जगाए आए के का क्या करें इनसे जान कहीं उठा बाबू का करें भगवान ही ना एक लोग कलियुग लोगों के विचार बदल गए मानसिक तनाव आ गया मांसपेशियों में खिंचाव आ गया पता नहीं कैसी कैसी सोच हो गई अब संतान को माँ बाप से कोई मतलब नहीं है माँ बाप की चाहे इज्जत हो जाए चाहे बेइज्जती हो जाए अब हमें मम्मी पापा से कोई मतलब ना है संतान को अब तो हमें कैसे मतलब है आज की नई पीढ़ी को तुम्हें बताएंगे भैया आज की नई पीढ़ी युवा पीढ़ी जो है इन्हें माँ बाप से कोई मतलब नहीं है कि माँ बाप ने हमें कितनी मुसीबत से पाला है कितनी उम्मीदों से पाला है इन्हें कोई मतलब ना है भाड़ में जाए मम्मी पापा भाड़ में जाए परिवार संध्या को रोटी खाई 9 बजे लजैया डारी और निकालो मोबाइल चुपका को लगा लो कान से हाँ बाबू का कर रहे बोल वो सवेरे 4 बजे फोन कटे याद रखना पहुंचा के घर वाले अगर संतान के ऊपर कंट्रोल करें भाई देखें तो इनकी एक आवाज और चलिए कौन सी आवाज बहुत खतरनाक है लोगों और जब आवाज के पीछे नई पीढ़ी बर्बाद भई जाती है कान लगाए लेकिन देख लीजिए बहन रुकमणी को हृदय में दिल ही दिल में भगवान को अपना पति मान लिया तो याद रखना भैया किसको पति बनाया भगवान कन्हैया को याद रखना और आज कल भी तो तुम कछु और मत समय ने दूसरो तो भारी में दूसरो समझा तीसरो नई पीढ़ी है आप भी देख रहे हो पीलो हाथ भाई लेकिन धन्य है बहन रुकमणी को ये संकल्प ले लिया कि शादी करूंगी तो कन्हैया से वरना सारी जिंदगी अविवाहित होकर के जीवन बिता दूंगी याद है। और बता तुम्हें भैया आज की नई पीढ़ी के बारे में 2 लाइनें लिखनी है ए भैया याद रखना